उनसे माफ़ी मांग लो, है ना। और बद्दुआ लगी आई नहीं है और मैं को मांगनी भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं व्लॉग शुरुआत कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी लगाने से। तो अभी मैं मुल्तानी मिट्टी पानी के साथ ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो ये ब्लॉग है थर्सडे और फ्राइडे का। तो आज है थर्सडे, लाइक आज नहीं है बट जिस दिन का ब्लॉग है उस दिन है थर्सडे। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई, उसके बाद फिर डुगू स्कूल गया हुआ था। तो जब डुगू स्कूल जाता है उसके बाद में सारे काम, मतलब उसके बीच में सारे काम निपटा लेती हूँ। और फिर आते ही डुगू का होमवर्क कराना होता है क्योंकि उसके बाद वो होमवर्क नहीं करता है। तो उसने खाना पीना खाया, नहा लिया वो, और उसके बाद फिर मैं उसको जो उसकी स्टैंडिंग थी, ये लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन बनाई है, स्लीपिंग लाइन अभी इसकी यही चल रही है। तो मैंने यहाँ पे डॉट्स बना दिए ताकि वो इसे ज्वाइन करे, पर डुगू बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। इनकम्प्लीट होमवर्क लिख के आया था क्योंकि वो काम नहीं करता है यार। मतलब स्कूल में कर लेगा बट यहाँ पे वो कभी यहाँ खेल रहा है, कभी वहाँ खेल रहा है, उसका यही चलता रहता है। तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी थी पर मैं उसका होमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं करती हूँ खुद से, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि, बेशक टीचर बोल रहे हैं हम लोग करके दे सकते हैं पर मेरा नहीं होता, मेरे को यह है कि वो करे। तो चढ़ चढ़ के मैं उसे होमवर्क ही करा रही थी कि कर ले, वो भग रहा था इधर उधर। तो उसका यही चल रहा है। पहले वो बहुत शौक से कोशिश करता था, पेंसिल पकड़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उसका यह है कि उसे हर जगह भागना है। तो अभी शायद इनिशियल डेज हैं स्टार्टिंग के, तो थोड़े दिनों बाद वो खुद से करना शुरू कर देगा, बट अभी थोड़ी दिक्कत कर रहा है वो। थोड़ी क्या यार, काफ़ी दिक्कत कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसका जैसे आता है तो उसको होमवर्क कराऊँ, उसके बाद फिर बीच में वो नहीं करता है फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर में कॉपी खोलती रहती हूँ ताकि ये कुछ चार लाइन बना ले फिर भग जाए, फिर चार लाइन बना एवरीवन, ले फिर वेलकम भग बैक टू जाए। माय चैनल। तो आज है फ्राइडे, नहीं आज है थर्सडे, आज है थर्सडे और बादल गरज रहे हैं। डुगो होमवर्क नहीं कर रहा है यार, मैं उसे होमवर्क कराने की कोशिश कर रही हूँ। क्लास में मैम बोलती है वो एक पेज करता है फिर खेलता है, उसे खुद का भी करने देते हैं और फिर वो अपना वो काम भी करता है। यार बोलते तो खेल भी ले, तो कर भी ले, पर वो बैठता ही नहीं है, बैठने की जगह भगता रहता है और उसके बाद फिर कलाकारी कर देता है। तो मैंने डॉट्स लगा के रख दी है क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, ये सोने का वो करेगा। अगर ये थोड़ा दोपहर में सो जाता है तो ठीक है, उसके फिर जिया जगी रहेगी, इसके बाद तो जिया नहीं करने देगी, फिर इसका होमवर्क छूट जाता है। और मैं नहीं चाहती कि इसका होमवर्क मैं कंप्लीट कर दूँ क्योंकि वो चीटिंग है, मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं किया इसने तो नहीं किया, क्योंकि मैं करके या करने को तो बना के दे सकती हूँ ना, बट नहीं मैं छोड़ देती हूँ। अगर जितना ये करता है उतना मैं वही उसकी मैडम से, मैंने राजा को बोला बोलना कि घर में बैठता ही नहीं। तो उसकी मैम बोल रही थी कोशिश करो इसे बिठाने की, ये भग गया कार से, अब अपनी जो गाड़ी है वो चला रहा है। तो मैं सोच रही थी इन बच्चों के लिए लौकी बना दूँ, मैं लौकी सोच रही हूँ, लौकी बना के मेरे को बहुत सारा सैलड खाना है। तो आज से मैं अपनी डाइट पर ध्यान दे रही हूँ, तो सुबह मैंने आप पे खाए थे और आई मैं सोच रही थी लौकी की सब्ज़ी, एक रोटी और सैलड। अब मैं खाने की तैयारी करने भी लगी थी तो मैं साथ साथ में सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं दाल जो है वो भिगो रही थी और साथ में चाय बना रही थी क्योंकि मेरी जो हेल्प आती है उन्हें चाय चाहिए थी, उनका सर थोड़ा सा दुख रहा था तो मुझे लगा मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। मैं थोड़ी खिड़की खोली थी क्योंकि भुंगिया हो रही थी, वो ब्लैक ब्लैक कलर की होती है, केले पे आ जाती है, इतनी ज़्यादा परेशान करी थी, मेरा मन ही नहीं करता आजकल केला लाने का। और इन लोगों को केला इतना पसंद है कि मुझे लाना भी पड़ता है और फिर इतनी सारी भुंगियाँ हो जाती है, मैं क्या करूँ, कोई उपाय है तो बताइएगा। तो मैंने खिड़की खोल दी थी कि थोड़ी खिड़की खुली रहेगी तो निकल लेंगी वो, पर वो केला ख़त्म भी हो गया उसके बाद भी थी वहाँ पे। तो मैंने चने की दाल भिगोई है, मैं घिया लौकी की घिया चने की दाल बना रही हूँ और यहाँ पे चाय अच्छे से उबल रही थी। उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला और दूध डालने के बाद फिर मैं फटाफट जो लौकी है वो छील रही थी। डुगू इस बीच में सोया हुआ था, जिया अपनी नाप लेके उठ चुकी थी। तो बच्चों का ऐसे ही रहता है, मेरे दोनों बच्चे कभी भी दोपहर में साथ में नहीं सोते, रात में सो जाते हैं कि एक टाइम पे सो रहे हैं पर दोपहर में कभी मुझे टाइम ऐसे नहीं मिलेगा। बट अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया है तो स्कूल डाल दीजिए, काफ़ी आराम आपको मिल जाएगा। कम से कम 3-4 घंटे तो आपको थोड़े आपके आराम से निकल जाएंगे क्योंकि एक बच्चा फिर भी थोड़ा सा ईजी रहता है मैनेज करने में, 2 बच्चों की लड़ाई बहुत होती है। फिर मैंने यहाँ पे लौकी जो है वो काटना शुरू किया एंड लौकी मैंने वॉश कर ली थी। क्या होता है ना, कुछ क्लिप्स कट जाती हैं तो फिर लगता है कि ये वॉश नहीं हुई है बट मेरे हाथ में पानी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लौकी काट रही थी और लौकी काटने के बाद मैं जो चाय है वो भी साथ में हो रही थी और अच्छी अच्छी पीसेस में कर दिए थे मैंने लौकी के कि पता ना चले, राजा को भी दाल बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो यार इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बच्चों को तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये डाली मैंने लौकी, उसके बाद फिर इसमें डाल दूंगी मैं 2 टमाटर, हल्दी और नमक। उसके बाद क्योंकि हमने चने की दाल अभी भी भिगोई थी तो मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, मतलब कि मैं अभी इसे उबालूंगी नहीं।
ताकि ये थोड़ी सी दाल है वो फूल जाए, क्योंकि चने की दाल को कुक होने का टाइम चाहिए होता है अच्छे से, तो इसीलिए अगर आप उसे पहले से फुला दो तो वो अच्छे से कुक हो जाती है। तो मैंने जल्दी ही खाना चढ़ा दिया था इसलिए मुझे दिक्कत नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पे एक कप चाय निकाली उनके लिए, और जब मैं चाय लेके जाई थी तो मेरे बच्चे ऐसे हो रहते हैं कि उन्हें चाय चाहिए, जिया बहुत दिक्कत करती है चाय के लिए, तो यहाँ पे वही जिया को थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश कर रही थी उनकी राइटिंग में। चाय फिर से बोले, चाय जी आपको भी चाय चाहिए है। सोचो छोटे छोटे बच्चे भी चाय मांगते हैं आजकल, कुछ बोलना आए ना आए दूध और चाय, ये ऐसी चीज है जो मेरे दोनों बच्चों ने बहुत पहले सीख ली थी कि भाई उन्हें क्या बोलना है। तो मैं थोड़ी सी चाय मिक्स करके बिस्किट दे रही हूँ, दूध मिक्स करके चाय दे के बिस्किट दे रही हूँ। डुगू थोड़ा सा मुझे तबीयत नहीं सही लग रही है उसकी, वो सो गया था आके और अभी फिर उठा है तो थोड़ा सा वो हो रहा है, तो अभी हम चाय नहीं पी रहे, थोड़ी देर में रुक के पीती हूँ। मैं पहले देखती हूँ सो जाए या उसे जो भी करना है वो कर ले, क्योंकि राजा उसे कब तक गोदी में लेके घूमेंगे। आ रही मैं आ रही। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों बच्चे जग चुके थे तो मैंने उन्हें एप्पल दिया, अब इन लोग को लेके जाना था वॉक पे। और ये लोग अगर कुछ भी पढ़ाई करा रही होती हूँ मैं, तो जिया भी आजकल ऐसी है कि वो भी देखती है, उन्हें कुछ भी दिखता है उन्हें चाहिए होता है। एप्पल देखा उन्हें, एप्पल चाहिए था मेरे को लगा चलो इन्हें एप्पल दे देते। अगर आइसक्रीम देखेंगे तो दोनों आइसक्रीम कहीं लगते हैं, तो वो आइसक्रीम वाला पेज मैं खोलती ही नहीं हूँ आजकल, क्योंकि इन्हें आइसक्रीम दिखेगी तो दोनों आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे एप्पल खा रहे थे और साथ में गाना भी चल रहा था और पढ़ाई भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। सो गाइस मेरे ना जो व्लॉग्स हैं वो अभी थोड़े से ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं बाहर शॉपिंग पे नहीं जा सकती हूँ, और यार यही नेचुरल और कहते हैं ना एक नॉर्मल लाइफ है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बच्चों के साथ होता है कि आप इतना नहीं कर पाते हो, बट जो बच्चों के साथ लाइफ जी रहे हो मुझे पता है। तो मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो आजकल ज़्यादातर वॉइस ओवर में जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि कभी यहाँ हल्ला हो रहा था कभी वहाँ हल्ला हो रहा था, बट एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों को पूरी दिखाती हूँ जो बच्चे कर रहे हैं। थोड़े थोड़े से भी बड़े हो जाएंगे ना तो मेरी भी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, और आप लोगों को भी जो देखना है वो आप देख पाएंगे। और कुछ लोगों को ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये लोग अपने एप्पल एंजॉय कर रहे थे, मैंने इन लोगों को रेडी किया। मैं तो जैसे सूट में थी वैसे ही कि हम लोगों को वॉक पे निकलना है, बट वॉक पे निकलने से पहले आप देखिए मौसम का हाल। लगा था हम बच्चों को एक वॉक करा के ले आएंगे, तो जाने को हो ही रहे थे क्योंकि मैं तो ऐसे ही जाती। राजा ने कपड़े पहन लिए थे अपने जीन्स और टी शर्ट और बस निकलने वाले थे, और उससे पहले बारिश ने दे दी इतनी भयानक दस्तक कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश है। हाँ बेबी बहुत तेज है बेटा, बहुत तेज है। अरे यार क्या करें अब, इतनी तेज हो गई, इतनी तेज बारिश है ना। अब तो जाने का मतलब भी नहीं है, पूरा फिसल जाएगा। अब जाने का कोई मतलब भी नहीं है, पूरा फिसलन फिसलन हो जाएगी, वहाँ पे बच्चे गिरगिरा जाएंगे क्योंकि वहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, और टाइल्स और पानी का बच्चों के लिए स्पेशली जिया और डुगू भी आए इन दैट केस, भगना शुरू किया उसने तो। आइसक्रीम फिर से इनकी लड़ाई हुई है, ये देखिए नहीं जा पाए, बारिश रुकी ही नहीं, और मैंने इस बीच में पूरा फायदा उठा के यहाँ की बेडशीट चेंज करी, बेडरूम की बेडशीट चेंज करी। खुद ही लेके आओगी तुम, कूदना नहीं है। ये मैं जब से परेड करवा रही हूँ पता है, बहुत छोटी नीचे नहीं जाए, नहीं मैं देखी। अच्छा ला ही ला, रुक जा बेटा रुक जा, अब मत फेंकना ठीक है। तो इसको लग रहा है ये बॉल फेंके और मैं बार बार नीचे से उठा के, हाँ बेटा मैं अब तो नहीं ला रही, तो मुझे ना शॉपिंग करनी है, काफी सारी शॉपिंग करनी है मुझे, कर्टेंस लेने हैं कुछ और फिटेड बेडशीट लेनी है, तो ये जो है ये सारी फिटेड ही है, मैं लगाती हूँ ये आते साथ ही कूदना शुरू कर देते हैं, और कूदते साथ ही सारी बेडशीट खराब हो जाती है अगर फिटेड नहीं है तो। जैसे अभी इसमें बहुत हुड़दंग मारी है लोगों ने, पर ये अभी एज इट इज ही है। तो मैं कुछ शॉपिंग करनी है, मैं वेट कर रही हूँ, और मेनली हम लोगों की शॉपिंग होती है करवा चौथ की क्या बोलते हैं नवरात्रि में, तो शॉपिंग डेज आ रहे हैं। अब वो नीचे गई है, मैं नहीं निकाल रही भाई, बेड के नीचे से नहीं निकाल सकती, मेरी कमर में बहुत दर्द है, नहीं होगी पता है।
मुझे पता रुला देती है, पता जिया मुझे डेली रात तक रोने वाली हालत कर देती है। रुक जाओ, आज पे खेलो, इधर बैठो। नहीं है, वो चली गई, काऊ ले गई, काऊ ले गई, ऐलानी मैं काऊ ले गई, मैं जा रही, काऊ ले गई काऊ, आज से खेलो। ये क्या है, भाव भाव है, ये दुगु, दुगु को दीदू बोलते हैं। कौन है ये, दुगु है, तो शर्म नहीं आ रही है, ये मोमो है, मोमो जिया, मोमो खुद गिर लो, खुद रो लो, इतनी शरारती, इतनी ज्यादा शरारती है ये कि इसको संभालने के लिए 10 लोग भी कम पड़े। ओ माँ बाबू लगेगी ना, समझ में आ जाएगी, अच्छे से तारे चमकेंगे। तो इस अभी जैसे हाउस हेल्प लगाई है ना, वो घर का काम भी करती है और जिया को और डुगू को सबको देखती है, तो मैंने उन्हीं को वापस लगाया था क्योंकि लोग बहुत कंपैटिबल थे दोनों, एक नहीं दोनों, डुगू भी बहुत खुश, ये भी बहुत खुश। तो जैसे ये फील करती है, मेरे पास रहती है बेडरूम में, दिन में 2-3 घंटे आराम से इसे रहना होता है क्योंकि एक बच्चा एक इंसान के पास कभी नहीं रहता है। तो उस टाइम पे वो जितने काम रहते हैं, जो मेरे कपड़े वाले हो गए, ये हो गए, वो सब निपटा लेती है, बाकी का फिर जब उनका टाइम नहीं मिल रहा है, जिया के साथ खेल रही है, डुगू भी खेल रहा है, तो उस टाइम मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बोलती खेलते रहो मैं खुद कर लूंगी, पर मैं बच्चों के साथ भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हैवी होती है। पता, घर का कुछ काम कर रहे हो ना, जैसे बेडशीट चेंज करना है, तो बहुत ईजी होगा, और दो बच्चों के साथ बैठ के खेलना, उनको संभालना आपके बाल उड़ा देगा। तो अभी बस राजा और डुगू गए हुए हैं, वो अभी आते हैं, फिर मैंने घिया चने की दाल बनाएगी, उसको तड़का लगा रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ, एक सब्जी देख रही हूँ, रोटी बनाऊंगी। मैंने आज खाना थोड़ा अपना कंट्रोल किया, मैंने आप खाए थे, खीरा खाया है, बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ, वो देखो बात कर लूँ, हेलो डांसी, अच्छा डांसी डांसी, अरे दिया कूद के दिखाओ, पता है कूद, दिया कूद के दिखाना, कूद के दिखाओ, कूद के दिखाओ, WWE वाला कूदो, फिर से एवा कूद के दिखा दो, ये मामा बात कर ले, नाना मामा बात कर ले, मामा बात दिन ऑटम को इतना काम करती है, सुबह से भागती रहती है, तेरे पैर तो पौधे, 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 पैर तो पौधे, पैर तो पौधे, दबा दे, तो इसकी बॉल निकाल के देती हूँ क्योंकि ये शांति से नहीं बैठेगी, से याद आती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में बॉल। और यहाँ पे अब बन रहा है खाना और मैं बना रही हूँ अपनी बहुत ही फेवरेट आलू बैंगन की सब्जी। तो मैंने लहसुन ली है, अदरक लेंगे और हरी मिर्च और प्याज। प्याज कितनी रुपए किलो चल रही है यार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ पे चल रही है अभी 80 रुपए किलो, और अब हो सकता है बढ़ गई हो, जब हमने लास्ट परचेज किया है तो 80 रुपीस केजी चल रही है। सब्जियाँ इतनी ज्यादा हैवी प्राइस में चल रही है कि आपके आलू प्याज में आपके मान के चलिए, अगर आप आलू भी 2 किलो ले रहे हो तो 150-200 रुपए उसी में चले जाएंगे आपके प्याज आलू लेने में। तो यहाँ पे डुगू को भी करना था और राजा जो है वो कहीं जा रहे थे, आई डोंट नो कहाँ जा रहे थे, वो देख रहे थे कैमरा लगा डुगू क्या कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाला, जीरा डालने के बाद मैं प्याज डालूंगी। प्याज और जो मिक्सचर हमने पीसा था, तो इसमें प्याज पीस के नहीं, थोड़ी सी चॉप करके डालती हूँ। ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, एक बार ट्राई करके देखिएगा भाई यार, इसको ना रोटी के साथ खा लो, इतनी टेस्टी, घी लगा के रोटी में,
और उसके बाद मैंने दो टमाटर भी डाले थे इसमें, तो टमाटर मैंने पीस लिए थे अच्छे से। और यहाँ पे टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा भुनने देंगे। तो यहाँ पे मैं फटफट जो है सारा काम निपटाऊंगी। तो हल्दी डाली है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला। उसके बाद फिर बैंगन मैंने चॉप कर लिए थे, इसी बीच में मैंने आलू भी चॉप कर लिए। और जब आलू चॉप हो गए तो फिर सब्जी जो है वो हमारी पूरी बनेगी। तो आलू बैंगन की सब्जी मेरे को पता है, बैंगन, भिंडी और करेला, ये तीन सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। गोभी भी बहुत अच्छी लगती है, बट गोभी से मैं बोर हो जाती हूँ। जब गोभी सीजन में आने लगती है ना तो उससे बोर होने लगते हैं, तो मुझे भिंडी खाने का मन करता है। तो यहाँ पे मैं जो सब्जी बैंगन है वो डाले हैं, फिर मैंने फटाफट जो आलू है वो भी चॉप कर लिए। उसके बाद फिर मैं क्या बोलते हैं, एक बार आलू को और वॉश करूंगी, मुझे लग रहा था मिट्टी आ गई उसमें। तो यहाँ पे आलू भी काट लिए, फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक आलू डालने के बाद। और फिर इसमें ना जब ये पक जाएगी तो हल्का सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर से हम इसे डन कर देंगे। तो यहाँ पे सब्जी जो थी वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, एंड देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही थी ये। एंड देन फिर इसको ढक देंगे ताकि ये बनती रहे। एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे क्योंकि बच्चे को चावल यार एक टाइम चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाला और उसके बाद फिर मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पे जो हमारी दाल थी वो रेडी हो गई थी, लाइक कुक हो गई थी। और इसी बीच में मैंने इसमें डाला जीरा, और जीरे के बाद जो तड़के है तड़का है, क्योंकि टमाटर तो मेरे को काटना नहीं पड़ता, टमाटर मैं दाल के साथ ही डाल देती हूँ। यहाँ मैंने लहसुन डाली और हरी मिर्च डाली है। एंड फिर जब ये हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। कुछ ज़्यादा ही हो गई थी यार, ये कुछ होता है कि जब बच्चे रहते हैं ना तो कुछ बोल रहे हैं तो आपका खाना मैक्सिमम टाइम पे जलने के कगार पे भी आ जाता है। तो ये दाल हो गई थी, तो इसे मैं मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें ना टमाटर जो है वो डाल दूंगी। तो मैं प्याज एकदम डार्क वाली नहीं भूनती हूँ, मैं हल्की प्याज भून के दाल में तड़का लगाती हूँ, वो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर बच्चों के लिए मैंने दाल निकाल दी थी, बिना मसाले का तड़का जो था वो मैंने बच्चों की दाल में भी डाल दिया। और उसके बाद फिर जो अपनी दाल थी उसमें मैंने क्या बोलते हैं ये मेन मसाला डाल के तड़का लगा दिया। अब क्योंकि हमारा दोनों खाना तैयार हो गया था, दोनों सब्जी दाल और ये, तो मैं एक्स्ट्रा भी कर लेती, कई बार आपको अगले दिन भी काम आ जाती हैं चीज़ें ठंड में, तो और आप कर लो तो बहुत काम आती है। तो यहाँ पे मैं धनिया जो है वो चॉप कर लूँगी क्योंकि दोनों सब्जियों में धनिया चाहिए, एक दाल में और एक सब्जी में। तो यहाँ पे धनिया चॉप कर लिया है। एंड इसके बाद से मैं यहाँ पे डाल दूंगी आलू बैंगन की सब्जी में धनिया। और यार ये इतनी अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत अभी मन हो रहा है खाने का। मेरे को सब्जी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें जो टेस्ट आता है ना वो, अगर आप थोड़ी सी कड़ और ऐड कर दोगे तो हलवाई वाला टेस्ट आएगा आपको, इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे जो सब्जी है उसे मैं फाइनल टच दे के बंद कर दूंगी क्योंकि हमारी सब्जी हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ रेडी हो गई, अब मेरे को आटा लगाना था। और आटा लगाने के बाद फिर रोटी हम लोग बाद में बनाते हैं गर्म, बच्चे क्योंकि सो जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आटा लगा रही थी, और आटा लगाने के बाद फिर मैं बच्चों को खाना खिला दूंगी इस बीच में, क्योंकि उनका ऐसा रहता है कि उन्हें खाना खिला दो तो आधा घंटा खेल के वो लोग सो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि इस टाइम पे मेरे को रूटीन सेट करके चलना पड़ता है क्योंकि डुग्गू भी नेक्स्ट डे स्कूल जाता है। तो अब आपको डायरेक्ट मॉर्निंग ब्लॉग मिलेगा जिसमें डुग्गू जा रहा है मेरा। तो का डिनर हो गया है, अब मेरे को इनको चेंज कराना लगी ना ये अभी मेरा बहुत टाइम तक दिमाग को चाटेगा पता। जी आई बोल रही नो, मैं दीदी आपको ऑप्शन ही नहीं दे रही। अच्छा ये बोल रही है ये ओ थैंक्स। आज जल्दी सिलेक्ट हुआ है चड्डा, ये नीचे का चड्डा ठीक है पहनोगे? देखो अभी डेनिम तो नहीं पहनोगे तुम क्योंकि तुम्हें सोना है, इधर रात में भी डेनिम पहन के सोना है। ये चल ये ना वाह चल, आज बहुत जल्दी सिलेक्ट हो गए, जब दिखाने आई तो जल्दी हो गए, वरना मैं डेली बात कर लो बाय। अरे किनारे खड़ा है, कहाँ खड़े हो? बाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी डुगू स्कूल से निकला है, बस कार तक पहुँचे हैं लोग, बच्चा एक रूम में आ गए, फिर मैं यहाँ से पा रही हूँ उनको थोड़ा सा
डुगू के स्कूल जाने का पूरा फायदा उठा के मैंने एक महीने से नेल पेंट चेंज नहीं करी थी। अगर आप मेरे ब्लॉग एक महीने पुराने जाके देखेंगे तो मेरी नेल पेंट आप देखेंगे तो मेरे हाथ हमेशा इतने अच्छे रहते थे या मेरी नेल पेंट कभी भी इधर उधर नहीं होती थी। और अब ऐसा होता है कि ना नेल पेंट ना बाल ना कुछ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही थी तो जिया तो है ही, तो जिया को भी लगानी थी, डुगू भी होता है तो उसे भी लगानी होती। तो राजा रेडी हो गए तो उनको नाश्ता देना था, तो नाश्ता बनाने जाना था मुझे, तो एक बार अपनी हेल्प का वेट कर रही थी ताकि वो आके बर्तन वगैरह कर दे, तो मैं जल्दी से उनके लिए कर दूँ थोड़ा काम, क्योंकि मेरे को साथ में लंच भी करना होता है, सब करना होता है। तो उनके पास था एक घंटा, तो मैंने बोला तुम बैठ जाओ मैं फिर करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपनी नेल पेंट लगाई, जिया को भी नेल पेंट लगानी थी, उसने भी नेल पेंट लगाई अपनी, उसे ऐसा रहता है कि लगानी, और डुगू को भी लगानी होती है, पर डुगू स्कूल जाता है तो ऑब्वियसली मैं नहीं लगाना चाहती, तो इसलिए मैं डुगू के सामने तो नेल पेंट लगाना ही नहीं है कि डुगू को ना लगाऊं मैं। अगर मैं बिंदी लगाऊंगी तो दोनों को बिंदी लगानी है, अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो दोनों को मेकअप करनी है। और इसी बीच में आ गया था मेरा नायका का पार्सल, जिसे मैंने मंगवाए थे दो कॉन्टैक्ट लेंस, एक है प्योर हेजल और एक है आई थिंक ब्लू टर्कोइश कलर, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने अपने दो फेवरेट लेंसेज मंगवा लिए, ये पैक के मंगवाते हैं, मैं हमेशा लेंस पैक के यूज़ करती हूँ। एक बार मैंने कोई और कंपनी के लगाए थे, आज तक वो लेंस रखे हैं पर वो लगे ही नहीं, क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं ना तो मैं थोड़ा सा नेस्टिंग कर रही हूँ। मैं सामान अभी यहाँ पे कपड़े वपड़े ही ले रही हूँ, पर जैसे मैं कुछ भी ले रही हूँ तो वो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो पैक के लेंसेज हैं वो रख दिए, और यहाँ पे मेकअप बॉक्स में रख दिए ताकि इधर उधर होंगे फिर मुझे कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद फिर आ जाती है मेरा और सफाई करने का टाइम, तो मेरे को नाश्ता करने से पहले देने से पहले लगा कि मैं जल्दी से यहाँ पे सोफे कवर बिछा देती हूँ, गंदा हो सोफा उससे पहले। और जो हाउस हेल्प है मेरी वो गाना चलाओ तो नाचना शुरू कर देती हूँ, उन्हें नाचना बहुत अच्छा लगता है। एंड उनको मैंने ना ये वाली साड़ी दी थी, मम्मी ने मेरी साड़ी दी थी ना जो, तो पहन के भी आई थी, बड़ी खुश हो रही थी वो साड़ी पहन के भी। तो यहाँ पे वो जिया को लेके नाच रही थी और हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे इस टाइम पे। तो चलिए अभी थोड़ी सी आगे बात ही करते हैं, यहाँ पे मैं म्यूजिक अटैच कर रही हूँ क्योंकि मेरा मुंह दर्द हो रहा है बात करते करते, है ना। तो चलिए हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि दो तीन घंटे बाद आएगा मिस्टर अद्विक। और यहाँ पे मैंने पिंपल पैचेस लगा के रखे हुए हैं क्योंकि कैमरे में वो पिंपल्स बहुत ज़्यादा ही वाहियात दिखते और बहुत बुरी स्किन हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा बुरी स्किन हो रही है। तो थोड़ा माइंड आज रिलैक्स्ड है क्योंकि वो डांस कर रही थी और जब वो डांस करती है तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो वो थोड़ी सी ऐसी है कि अब वो कभी कभी गुस्सा भी आएगा मेरी हाउस हेल्प पे, कभी कभी प्यार भी आएगा, तो मेरा बहुत टाइम का रिलेशन है। बट बस बात यह है कि वो क्योंकि बहुत सारे घरों में काम करती है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आके ऐसे बोलती है, क्योंकि वो बात हुई थी उसके बाद वो बात बहुत जगह चली गई थ्रू एवरी वन इंक्लूडिंग मी, और जो लोगों ने सुनना था वो सुना भी है। तो कल वो कोशिश कर रही थी कि ये बात जो मेरी ये वाली हाउस हेल्प है उसके सामने निकले। वो कह रही थी कि आपकी मतलब जो है ना, वो कह रही थी कि घर खाली कर देते तो हम घर किराए पे चढ़ा देते। तो ये बात हुई थी क्योंकि मैंने अपनी ये बात मदर इन लॉ से भी कंफर्म करी थी कि आपने बोला था ये ऊपर वाला घर उन्हें किराए पर चढ़ाना है। तो वही थी, बस मैंने बोला ये बात एकदम से कैसे निकाली, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन बर्तन मानते मानते उसने बोला। मैंने बोला क्या हो गया, क्यों बोल रही है, सब हो गई तो हो गई, पहले की बात है। जब दिसंबर में उन्होंने शिफ्ट किया था तो हमारा सामान यहीं पे था, तो उनको ये था कि हम सामान पूरा शिफ्ट कर ले तो ये वाला घर किराए पे चढ़ जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि रहने दो, बात मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिसको नहीं पता है वो उसे पता चले। उसे पता चलेगा दो तीन महीने बाद जब बच्चे को लेकर नीचे जाती थी वो, अब वो नहीं जाएगी तब उसे पता चलेगा। सेंस नहीं बनता है कि उस चीज़ को हम बोलें, है ना, और उसके सामने बोले, जब पता चलना होगा तो पता चलेगा। तो फिर मैंने बात काट दी, फिर मैंने बोला यार बाहर का बरांडा कर देना। तो वही होता है, कई बार वो बातें बताती है जो कि काफ़ी हर्ट कर जाती हैं। अब मेरे को ये भी नहीं पता है कि मैं उस बात को क्लियर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि यार 10 सुनी 10 बातें जो कहने पड़ रही हैं वो सब सच नहीं होती हैं।
तो इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर भी करती हूँ। मेरी क्या है, वो लोग जो हैं आपसी में ऐसे पसंद नहीं करते मेरी मदर इन लॉ और जो हाउस हेल्प है, बट मैंने उसे लगा के रखा हुआ है क्योंकि मुझे भी कई बार गुस्सा आता है उस पर, क्योंकि वो जो है ना वो बहुत टाइम से हम लोगों के साथ है, मेरी दोनों प्रेगनेंसी में वो साथ में रही है, उसे किया बहुत है यार मेरे लिए, कैसी भी हो कुछ भी हो उसने बहुत किया है, उसने इतना किया है कि छुट्टी नहीं ली मेरी प्रेगनेंसी में, एक ही छुट्टी नहीं ली, बहुत रेयर कभी छुट्टी ली है, और बच्चे बहुत फैला देते हैं, कई बार घर पूरा घर साफ़ करवा देती है वो साथ में, अलमारी का काम रहता है तो मैं एक्स्ट्रा से बुलाऊँगी तो वो आ जाएगी तो करवा भी देती है, और मेरे साइड से भी ऐसा है कि पन भी नहीं है उसकी साइड से, मैं भी करती हूँ। जैसे जो मेरा भी गैस चूल्हा था ना ग्रीन वाला, मैंने अभी 7-8 महीने पहले लिया था, वो मैंने उसे ऐसे ही दे दिया, तो कुछ लोग चूल्हा देने के लिए मना कर रहे थे पर यार वो पड़ा पड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था यार, तो वही मेरे को लगा क्या करूँगी मैं, तो मैंने दे दिया। तो ऐसा है कि प्यार है मैं ठीक है, पर वो बोलती कई बार बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि मैं उसे बोलूँ कि यार ये वाली बातें अभी डिस्कस मत करना, उसे पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, 2 महीने बाद दिवाली के बाद पता चलेगा, जब बच्चे को वो लेके जाने की वो करेगी या बच्चा जाने के लिए करेगा तो मैं मना करूँगी तब पता चलेगा। और एक और आया था कि डुगू की तबीयत ख़राब थी पैर का, जो मैंने आप लोगों को बताया, तो उसमें आ रहा था कि आप अपने उनसे माफ़ी मांग लो है ना, और बद्दुआ लगी, मुझे नहीं मालूम है बद्दुआ लगी या नहीं लगी है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और मैं को मांगनी भी नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी तरफ से अब ज़ीरो कर दिया है, और वही वहाँ से भी है, तो नहीं करना यार, जिसका जो है ज़रूरी नहीं, डुगू के साथ तो पहले से ही चल रहा था, और कौन सा कोई कुछ कर रहा है माँ बाप के अलावा ही है ना, तो इसीलिए मेरा वो मोटिव भी नहीं है। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे कान में पड़ रही हैं पर मेरे को रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है रिएक्ट करने का, और बहुत ही मीन बातें हैं यार जो हुई ही नहीं है, तो और वो भी मेरी, तो बहुत ही अजीब सी बातें हैं तथा। तो चलिए मैं करती हूँ आप वीडियो को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।